थोड़े से शब्द में समझाया ये बहुत लंबा है, बैठ के चर्चा का विषय है, घंटों लगेगी आपका समय ज्यादा न लगे। महात्मा गांधी के समय जो सत्याग्रह में शामिल रहे, सत्याग्रह के सिपाही के रूप में आगरा की पहचान बताई, हम उनके साथ हैं। उनका नाम है चिमनलाल जैन जी। चिमनलाल जैन जी सत्याग्रह छोड़ करके सत्य की बात कह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या है उनका मकसद इसको लेकर। जैसा टीवी में आपका स्वागत है, क्या है आप सत्याग्रह छोड़ रहे हैं और सत्य की बात को लेकर के स्कूल स्कूल जा रहे हैं, क्या है पूरा सारे भारत में जितने सत्याग्रह हुए वो हर प्रांत में फेल हुए और फिर इस मामले में नहीं हुए कि उन्होंने हार मान ली, बल्कि गवर्नमेंट ने अक्सर अत्याचार किए हैं जो अत्याचार आम पब्लिक नहीं सहन सकती है। कुछ कार्यकर्ता निकले, इसीलिए हमने कहा बाली लगाए, अगर नहीं मानती है तब जान की बाली लगाएं। हमने जान की बाजी चार बार लगाई, फिर भी सरकार नहीं मानी। तब उसके बाद हमको ध्यान आया कि विनोबा की बात तो जो 45 वर्ष बाद सुनी, पहले सुनी थी, उस पर अमल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि चिमनलाल जी हमारे स्कूल में आए। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने देश से शराब हटाओ यही बताया बच्चों को, क्योंकि शराब से ही हमारा देश, हमारा समाज जो है वो खोखला होता जा